नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। 2023-24 वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और इसके साथ ही शुरू हो गए हैं ऐसे बड़े बदलाव जो आम जनता की जेब पर सीधा असर डाल रहे हैं, ऐसे कि हर किसी का फाइनेंशियल जीवन आज के साथ ही बदल जाएगा। कुछ नियम ऐसे होंगे जिससे जनता को फायदा होगा तो कुछ नियम ऐसे होंगे जिससे जनता सरकार को कोस भी सकती है। लेकिन जनता जानती है और मानती भी है कि नरेंद्र मोदी सरकार का उठाया गया एक एक कदम देश सेवा में, देश हित में उठाया गया कदम है। हालांकि विरोध करने वाले तो करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन पिछले दो लोकसभा चुनावों के अलावा बहुत से विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी को देखकर ये पता चलता है कि जनता के मन में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए जो चाह है वो जिंदा है। जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी सरकार में जिंदा है। लेकिन जीवन यापन के लिए जानना जरूरी भी है कि आखिर एक इंसान के जीवन में आज 1 अप्रैल 2023 से क्या क्या बदलने वाला है, जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। 1 अप्रैल 2023 से मोदी सरकार ने देश में किए बड़े बदलाव। नई कर व्यवस्था डिफॉल्ट विकल्प बन गई। 87A के तहत छूट बढ़कर 25,000 रूपए हो गई। नई कर व्यवस्था में सालाना 7 लाख रूपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। रिटायरमेंट पर लीव इनकैशमेंट की सीमा 3 लाख रूपए से बढ़ाकर 25 लाख रूपए हो गई है। डेट म्यूचुअल फंड पर कोई LTCG बेनिफिट नहीं। लेनदेन शुल्क में 6% की वृद्धि को NSE वापस लेगा। 5 लाख रूपए के वार्षिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसियों पर टैक्स लगेगा। 2.5 लाख रूपए से अधिक EPFO योगदान पर टैक्स देना होगा। 10 करोड़ से अधिक के संपत्ति लेन देन पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग प्राइस पर TDS लगेगा। बीमा कंपनियों का कमीशन EOM के तहत होगा। हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण में 6 अंकों का HUID होना चाहिए। एक्सरे मशीन का आयात 15% महंगा होगा। जरूरी दवाइयां 12% महंगी होंगी। सिगरेट, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पाद महंगे होंगे। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर 18% टोल देना होगा। 2000 से अधिक के सभी UPI लेन देन पर अब मर्चेंट से 1.1% का इंटर ऑपरेबिलिटी चार्ज लगेगा। UPI भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं होगा। कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटे। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए हो गई। मंथली इनकम स्कीम के लिए सिंगल अकाउंट में 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपए और जॉइंट अकाउंट्स के लिए 7.5 लाख रुपए से बढ़कर 15 लाख रुपए हो गए। इसी तरह कई और बदलाव भी हैं जो आज से हमारे और आपके जीवन में आने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए, तैयारी कर लीजिए। इन सभी चीजों का असर हमारी जेब पर जरूर पड़ने वाला है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। वैसे इन सभी बदलावों के बारे में, बदले इस वित्त वर्ष के बारे में, इस खबर के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।